हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई ट्रेन डीरेल हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसमें लोको पायलट बच जाए तो उन्हें दोबारा ट्रेन चलाने की अनुमति मिलेगी कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसका जवाब जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ जरूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे कई सारे व्यूअर ने मुझसे बोला कि आप सिर्फ रेलवे के ऊपर ही वीडियो क्यों बनाते हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों, मैं खुद ही चाहता था कि मैं रेलवे के अलावे और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। इसी के लिए मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है फैक्ट इन डिटेल्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, अमेजिंग फैक्ट्स या फिर एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल्स में मिलेगी, जिसे देखकर आप अपने नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि इसके लिए दूसरा चैनल क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो नॉलेज और चैनल है, इसे लोग सिर्फ रेलवे के नाम से जानते हैं, तो यह चैनल सिर्फ रेलवे के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। बाकी नए चैनल पर आपको हर फील्ड की जानकारी मिलेगी। तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारतीय रेलवे में ट्रेनों का जो परिचालन होता है वह लोको पायलट ट्रैक्स के किनारे लगे सिग्नल को देख कर करते हैं। उन्हें जिस तरीके से सिग्नल मिलती है उसी के अकॉर्डिंग वह ट्रेनों को चलाते हैं। यहाँ पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि आने वाली जो ट्रेन है वो किस रूट से होकर जाएगी, उसका क्या किस प्लेटफॉर्म से होकर जाएगी। इन सारी चीज़ों का जो डिसीजन होता है वह स्टेशन मास्टर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रैक्स को सेट करते हैं, जिससे ट्रेन ऑटोमेटिक चलते रहती है। बस सिग्नल को देख कर लोको पायलट ट्रेन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर कोई ट्रेन डीरेल हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसमें लोको पायलट बच जाते हैं तो उन्हें ट्रेन चलाने को मिलेगी कि नहीं, तो ये चीज़ें दो बातों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम एक एक कर समझ लेते हैं। अब पहली कंडीशन यह है कि मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है और आगे उसकी जो ट्रैक्स है वो टूटी हुई है, या फिर किसी कंडीशन से उसका जो टंग रेल है या कुछ भी ऐसी अनहोनी होती है जहाँ से ट्रेन डीरेल हो जाती है, और उस डिरेलमेंट में अगर लोको पायलट बच जाते हैं तो यहाँ पर लोको पायलट की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि वो यहाँ पर जो रेलवे के हैं उनके मैकेनिकल डिपार्टमेंट की गलती है या फिर सिविल, पीडब्ल्यूडी, इन सभी चीज़ों के, चाहे जिसके कारण ट्रैक्स जो है टूटी हो या फिर यहाँ पर इसमें कोई भी कमी आई हो जिसके चलते ट्रेन डीरेल हुई, तो यहाँ पर लोको पायलट को कुछ नहीं होगा। अगर वो बच जाते हैं तो उन्हें दोबारा से ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि ये दूसरे की गलती के कारण ऐसा हुआ है जिसमें लोको पायलट यहाँ पर बच। दोस्तों, इसी कंडीशन को अगर दूसरे वे में देखें, अब मान लीजिए कि जैसा आपने जाना कि लोको पायलट सिग्नल को देख कर ट्रेनों का परिचालन करते हैं, अब यहाँ पर जिस तरीके से सिग्नल दी जा रही है, अगर आने वाली सिग्नल जो है रेड है और उसमें लोको पायलट उस सिग्नल को अनदेखा करे और रेड होने के बावजूद भी ट्रेन को आगे ले जाते हैं, और आगे ले जाने के बाद ट्रैक्स पर कोई दूसरी ट्रेन हो और उस कंडीशन में अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या फिर डिरेलमेंट होता है और उसमें अगर लोको पायलट बच जाते हैं तो यहाँ पर दोबारा उन्हें ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि यह पूरी की पूरी लोको पायलट की लापरवाही के कारण हुई है जिसके चलते यहाँ पर ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या जो भी सजा रेलवे की तरफ से मिलेगी उन्हें दिया जाएगा, उन्हें इस तरीके से दोबारा ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर दो सिनारियो है कि एक जो अगर लोको पायलट की गलती से ऐसा होता है तो उन्हें दोबारा ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज यह है कि अगर लोको पायलट की गलती नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की गलती से ही अगर ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो यहाँ पर लोको पायलट दोबारा ट्रेन को चला सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादातर कंडीशन में लोको पायलट की गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि वह ट्रेनों को परफेक्ट चला सके। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि रेड सिग्नल को क्रॉस किए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है कारण कि आगे चलकर ट्रेन को वह रोक देते हैं। ज्यादातर जो भी एक्सीडेंट हुए हैं वह यहाँ पर रेलवे के दूसरे कर्मचारियों की गलती या फिर कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि के कारण ही हुई है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर लोको पायलट ज्यादातर कंडीशन में सेफ रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।